अमल बात सुनो, वो तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। अच्छे खानदानी लोग हैं, लड़का भी पढ़ा लिखा वेल सेटल्ड है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं। पोपो, आप बुलाए ना उन्हें प्लीज, और मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? आप घर की बड़ी हैं, आप फैसला करें। और मैं कोई पागल हूं जो इतने अच्छे रिश्ते को इनकार करूंगी? आप बुलाए उन्हें जल्दी, ठीक है? बुला ले बुला ले। अरे ये तो फौरन ही राजी हो गई, लेकिन क्यों राजी हो गई? हाय, बहुत दर्द हो रही है यार, मेरे से नहीं हो रहा कुछ भी। क्या सब फैला के रख दिया तुमने? सारा कुछ सेट हुआ था, तुमने अपसेट करके रख दिया। क्या जलजला आया था यहाँ पर? हो क्या रहा है? और क्या, हर कमर में चिक पड़ गई है। ऐसा लग रहा है ये कैंटीन टेढ़ी हो गई है। टेढ़ी नहीं, अब सीधी हुई है मैडम, और बातें नहीं करो, काम करो। मामा, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि लड़के वाले इसको देखने आ रहे हैं या घर को देखने आ रहे हैं। तुम तो अपनी बकवास बंद करो, ये जान के तुमने ड्रामा किया पट्टी वाला, ताकि तुम्हें काम ना करना पड़े। मम्मा देखे, ड्रामा बोल रही है, मैं एक कतरा काम नहीं करूंगा। बात गलत तो नहीं कह रही वैसे, सिकंदर बन गया ही अभी। क्या वालेकुम सलाम, जीते रहो। वालेकुम अस्सलाम, इधर आइए और जाइए चेंज करके आइए, हमारे साथ सफाई में हाथ बटाइए। आपको भी तो कोई फर्ज है इस घर के मेंबर होने के नाते। ये आंटी, हो क्या रहा है? वो मेहमान आ रहे हैं। फुपो, अब सब मैं ही बताऊंगी, आप भी कुछ बताए ना। वो इसको देखने के लिए ना कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ऐसी मुफ्त में आ रहे हैं, टिकट लगाना पड़ेगा। खबरदार खबरदार, जो कोई हंसा आज के दिन, बिला वजह बेतुके जोक्स पे दांत निकालने की आदत हो गई आप लोगों को। मेरे कहने का मतलब ये था कि रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे हैं। क्या, कौन आ रहे हैं? हाँ, लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। एंड आई एम सॉरी, इन द मिडल ऑफ दिस मेस मुझे जाना पड़ रहा है सलून। वैसे तो मेरी स्किन को जरूरत नहीं है, लश्कारे मारती वैसी, बट प्रोफेशनल मैनिक्योर पेडिक्योर सोच रही हूँ करवा लूँ। तो आप लोग ये रिमेनिंग काम कर लीजिएगा प्लीज, लड़का डिसअपॉइंट होकर ना जाए, और खासतौर पर तुम भी काम कर। देख कर नहीं चल सकती ना तुम कभी भी, और तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो भाई? अब सारे काम क्या मैं करूंगी? सब गड़बड़ करके रख दिया, फिर तुम कह दोगी मेरी कमर में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है, सारे दर्द सबके लिए होते हैं, लेकिन मैं दर्दों के बगैर पैदा हुई थी, मुझे दर्द होता ही नहीं है किसी भी काम में, मैं बस गई आंटी। क्या क्या है? हाँ, वो मैं क्या था, ये अचानक से इनको कौन लोग आ गए? बेटा रिश्ता तो बहुत अच्छा है जी, लगता है अल्लाह ने मेरी सुन ली है। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई जी। क्यों? कि जब से ये रिश्ते वाली बात अमल को पता चली है, वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गई है। क्या हो रहा है इस घर में?